नमस्कार दोस्तों, मीत सीरियल का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए काफी दिलचस्प देखने को मिलेगा, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से आखिरकार मीत हुड्डा सफल होने के बाद में अब मीत हुड्डा सीधा सीधा जेल भेजती हुई नजर आ रही हैं नीलम को। और नीलम जेल में जाते हुए पुलिस के हवाले जिस तरीका से किया गया है, नीलम ने वार्निंग दे दी है मीत हुड्डा को और पूरे ही अलावत परिवार को कि मैं जल्द ही वापसी करूंगी और मैं इस परिवार को पूरी तरीका से उजाड़ कर रख दूंगी। हालांकि दोस्तों बात की जाए तो पूरी तरीका से आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीका से माफ़ी मांगती हुई नज़र आ रही है बर्फी देवी, क्योंकि बर्फी देवी स्टार्टिंग में बहुत गंदी तरीका से इल्ज़ाम लगा रही थी, लेकिन दोस्तों उसका ये इल्ज़ाम बिल्कुल चल नहीं पाया, क्योंकि बर्फी देवी ने बोला था कि मेरी बेटी का डबल छवि है, इसको एक बीमारी है डबल छवि की, जो कि दोहरा व्यक्तिगत देखने को मिलता है। जिसके बाद में मीत अलावत के फादर बोलते हुए नज़र आ रहे हैं कि ठीक है, हम मान लेते हैं कि इसके अंदर दोहरा व्यक्तिगत है, लेकिन फिर तुमने ये पूरे का पूरा इल्ज़ाम मीत हुड्डा के सर पर क्यों डाल रहे थे? बार बार तुम मीत हुड्डा को जो आरोपी ठहरा रही थी, किस लिए ठहरा रही थी? क्योंकि अब माफ़ी मांगने से कोई काम नहीं चलने वाला। और वाकई में दोस्तों इस समय बर्फी देवी की पूरी दुनिया तबाह होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि बर्फी देवी जितनी चालाकी कर रही थी, जितना गड्ढा मीत हुड्डा के लिए खोद रही थी, कहीं ना कहीं उस गड्ढे में वो खुद ही गिर चुकी है। आप लोग जानते हैं कि मीत हुड्डा के इस फैसले के साथ में सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि अगर आज मीत अलावत सही सलामत इस घर तक वापसी कर पाया है तो इसमें सबसे बड़ा रोल ईशानी का भी रहा है, क्योंकि ईशानी ने वाकई में मीत हुड्डा की कितनी हेल्प की है और उसी की बदौलत आज सब कुछ अच्छे से सब कुछ हो पाया है। क्योंकि मीत अलावत 24 घंटे से पहले ही मीत हुड्डा ने मीत अलावत को घर में ला दिया है और ये भी प्रूफ कर दिया है कि इस परिवार के लिए कुछ भी कर सकती है मीत हुड्डा। साथ ही दोस्तों आप लोगों के सामने हाथ जोड़कर अनुरोध करना चाहूँगा गाइस, कृपया करके मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताएं गाइज आपको मेरी वीडियो आखिर कैसी लग रही है। एंड थैंक यू सो मच गाइज।